मेरे लिए ये शॉक है क्योंकि कल तमाम पुलिस के खिलाफ बरासत रस्तान का नजीर, कल कोई सियासी जलसा जामिया मस्जिद में नहीं था। जामिया मस्जिद में ये था कि लोग इतिहाद से रहे, मस्जिद का तकद्दस हर सूरत में बहाल रखे, और खुसूसन जो हमारे नौजवान हैं जो इस तहरीक में आज से नहीं 1932 से इस तहरीक को हमेशा नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी, और आज भी नौजवान ही इस तहरीक को अपना खून देकर ज़िंदा रखे। मेरी नौजवानों से भी गुजारिश है कि वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, किस तरीके से स्टेट हुकूमत यहाँ इंतशारी कैफियत पैदा करने की कोशिश कर रही हैं ताकि लोग आपस में लड़ें, यहाँ के लोगों का आपस में कोई इतिहाद न रहे। ये गिरफ्तारी उस चीज़ की अकासी करती है। कल जो जामिया मस्जिद में इज्तिमाई नमाज सबको पढ़नी थी, उसका क्या मकसद है? ये यहाँ आपसी फसादात न हो, यहाँ बुजुर्ग और नौजवान एक साथ मिल के चले, इतिहाद के साथ चले, यहाँ आपसी फसादात न हो। लेकिन हुकूमत आपसी फसादात चाहती है, आपसी इंतशार चाहती है, इसलिए तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, तमाम मकतब फिक्र से, इस्लामी मकतब फिक्र से, सियासी मकतब फिक्र से, तमाम लोगों से तहरीकी की इस तहरीक में एक अजीम सरमाया लग चुका है, नौजवानों का, बुजुर्गों का, आलिमों का, तमाम लोगों का, कि यहाँ हिंदुस्तान कत्ल गारत गरी से, जुल्म जबर से, मकानों को ब्लास्ट करने से, नौजवान लड़कियों और बच्चों को पैलेट गनों का शिकार बनाकर उनकी आंखों की बिनाई छीनने से वो नाकाम हो गए इस तहरीक आज़ादी को ख़त्म करने में। अब उनके पास एक ही हरबा है, वो हरबा है कि इस कौम के अंदर इंतशार पैदा किया जा सके ताकि ये कौम आपस में लड़े। इसलिए मेरी गुजारिश है खुसूसी नौजवानों, हम हिंदुस्तान की इस पॉलिसी को समझने की कोशिश करें और अपने अंदर इतिहाद को मजबूत से मजबूत तर करें, यही एक जवाब है हिंदुस्तान की इन पॉलिसियों को नाकाम करने। सरकारी दहशतगर्दी को बंद करो।